आपको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके बाप जिम्मेदार होंगे जो इनको पैदा किया है कि दूसरा कौन है। हमने कहा मुकदमा लिख दिया है, अब जब होना विवेचना होगी घटनास्थल जो भी है देखा जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई अपराध तुमने खुद अपराध किया है, 504 तुमने खुद पहले कारिज किया। क्या किया सर हमारी गलती? सीसीटीवी कैमरा देख ले जाओ। देख रहे हैं दरोगा जी को फुल रेस्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जहां दरोगा जी को थाने में कुर्सी पर बैठकर फरियाद सुननी चाहिए, तो वहीं ये दरोगा तो फरियाद भी लेट कर सुन रहे हैं। यही नहीं, दरोगा जी फरियाद लेकर आए फरियादी को धमकाते भी दिखाई दे रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। तब उनको क्या देखना है, ये इनका काम है, हमारा काम थोड़ी ये इनका। 90 दिन में कोई हमारे साथ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम थोड़ी होंगे जिम्मेदार। तो फिर वहाँ बता दीजिए आके, मतलब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, लौट के बता दो। उन्हें ये कह रहे हैं विवेचना, हमने कहा मुकदमा लिख दिया है, विवेचना होगी उसकी। विवेचना आपके भेज रहा हूँ, सीसीटीवी आपके खिलाफ भी लिखा जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर इतने टाइम में 60 दिन में 90 दिन में अगर कुछ हो गया हमारे खिलाफ, आपको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके बाप जिम्मेदार होंगे जो इनको पैदा किया है कि दूसरा कौन है। हमने कहा मुकदमा लिख दिया है, जब होना विवेचना होगी घटनास्थल जो भी है देखा जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई अपराध तुमने खुद अपराध किया है, 504 तुमने खुद पहले कारिज किया। क्या किया सर हमारी गलती? एक तरफ सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वो अपराध और पुलिस का रवैया ना सुधरने के कारण बीते दिनों डीजीपी तक को बदल डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराध पर सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। जी हां, दरअसल ये वीडियो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाने की अजीज नगर चौकी के सामने का है, जहां फरियादी चौकी प्रभारी से जान खतरे में है और सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहा है। वहीं बेड पर लेटे दरोगा जी उसकी समस्या का निस्तारण करने की बजाय उल्टा उसी को डपट कर भगा देते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में अजीज नगर चौकी प्रभारी संतोष सिंह चौकी के अंदर बेड पर लेटे हैं। इसी बीच एक फरियादी पहुंचता है, फरियादी दर्ज कराए गए मुकदमे की प्रगति के बारे में पूछता है। इस पर पुलिसकर्मी विवेचना की बात कहते हैं और जमकर फटकार लगाते हैं। वहीं आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी है। सुनवाई ना होने पर पीड़ित चला जाता है और दरोगा का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM UP।